खबर का रुख रायपुर से ही करेंगे। पंचायत कार्यालयों में आज से शुरू की जाएगी मजिस्ट्री वर्क जोन एवं हॉटस्पॉट नहीं खोले जाएंगे। इन क्षेत्र जिन क्षेत्रों में रेड जोन है उन क्षेत्रों में पंजीयन कार्यालय नहीं खुलेंगे। रायपुर कोरबा सूरजपुर में दफ्तर नहीं खुलेंगे। पंजीयन से पहले लेना होगा ऑनलाइन अपॉइंटमेंट। बिना ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के दफ्तरों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो चलिए एक और बड़ी खबर का रुख रायपुर से ही करेंगे। लॉकडाउन के बीच प्रदेश में आज से सरकारी दफ्तर खुलेंगे। आधे कर्मचारियों के साथ ही कामकाज की व्यवस्था की गई है। जरूरी फाइलों पर तत्काल किया जाएगा काम। लॉकडाउन के सारे नियमों का पालन किया जाएगा। सभी को मास्क लगाना अनिवार्य है। तो हमारे साथ सुप्रिया पांडे लगातार जुड़ी हुई है। सुप्रिया, सिलसिलेवार दोनों खबरों पर जानकारी दीजिए। जी, लॉकडाउन के बीच जो है आम जनता को आज से थोड़ी राहत मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि करीब 1.5 महीने बाद छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय कार्यालय जो है उनमें आज से कामकाज शुरू हो जाएंगे। और आज से ही जो है पंजीयन कार्यालय भी खोले जाएंगे। पंजीयन कार्यालय को आपको बता दूं कि जो रेड जोन है या हॉटस्पॉट जोन है उस जगह पर नहीं खोले जाएंगे। रायपुर, कवर्धा और सूरजपुर, इस तरह के जो क्षेत्र हैं वो हॉटस्पॉट और रेड जोन में शामिल किए गए, तो इन क्षेत्रों में पंजीयन कार्यालयों को नहीं खोला जाएगा। और साथ ही इसमें जो है पंजीयन कार्यालय में पहली बार मतलब ऐसा होगा कि ऑनलाइन पंजीयन आपको कराना अनिवार्य होगा। और अगर आप ऑनलाइन पंजीयन नहीं करवाते, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं लेते, तो आपको दफ्तर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो इस तरीके का जो सिस्टम है वो पंजीयन कार्यालय में देखा जाएगा। साथ ही सरकारी दफ्तरों की बात करें तो 50% कर्मचारियों को यहाँ पर आमंत्रित किया जाएगा। और साथ ही जो आवश्यक दस्तावेज हैं, जो आवश्यक फाइलें हैं, उन पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सभी कर्मचारियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। और साथ ही आपको बताना चाहिए कि ऑफिस सरकारी दफ्तरों को खुलने से पहले पूरे दफ्तरों को सैनिटाइज किया जा चुका है, उसके बाद ही दफ्तरों को खोला जा रहा है। और साथ ही दफ्तर के जो दरवाजे हैं उनके बाहर भी सैनिटाइजर रखना भी अनिवार्य होगा। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका।